कॉन्जेंटिव वायरस। हाँ, आज का मेरा वीडियो है कॉन्जेंटिव वायरस को लेकर, क्योंकि आज घर घर में ये बीमारी फैल रहा है, ये वायरस जो है। इसमें क्या होता है, आंखें जो है लाल हो जाता है, आपका आँख से पानी निकलता है, बहुत सूझा पेन आता है, और मान लीजिए कि बच्चों से लेकर बड़ों तक एक मतलब बीमारी की तरह वो मतलब खुद को ट्रीट करते हैं। तो ये बीमारी क्यों होता है, अगर दूसरे से दूसरे को फैलता क्यों है, देखने से ही क्या फैल जाते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है घरवा, कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगर कोई पर्सन का कॉन्जेंटिव वायरस जो हो जाता है, उससे बाद उसका घरवा कुछ ट्रीटमेंट कुछ रहता है, वो क्या करना चाहिए, इसको लेके आज का मेरा ये वीडियो है। मेरे सभी सब्सक्राइबर में बहुत मैसेज आ रहे हैं, कॉन्जेंटिव वायरस को लेके कुछ बोलिए, घर घर में ये बीमारी फैल रहा है। तो सभी सब्सक्राइबर के लिए मेरा आज का मेरा ये वीडियो है। तो वेलकम टू एवरीवन, समृद्धि सेलिब्रेशन चैनल में सभी के दिल से स्वागत करती हूँ। जिन जिन पर से मेरे फैमिली मेंबर है, सभी के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। जिन जिन पर से मेरे फैमिली मेंबर बनना चाहती है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। पहले तो यही बोलना चाहती हूँ कि कॉन्जेंटिव वायरस जिसको अटैक होता है, अगर दूसरा कोई पर्सन उसको देख लेता है, देखने से कि वायरस अटैक उसको भी हो जाते हैं, ये क्या सच्ची बात है, क्योंकि घर घर में ऐसे हो रहा है। सभी का मानना है, बहुत सारे पर्सन यही बोल रहे हैं, मुझे मैसेज भी आ रहा है। देखिए, ये कॉन्जेंटिव जो वायरस है बहुत मतलब ख़तरनाक एक वायरस है, लेकिन डरने का कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आपको का जो माइंड सेटअप हो जाए ना, किसी को देखने से ही वायरस अटैक हो जाता है, वो सच्ची बात नहीं है। मान लीजिए कि वायरस जस्ट थोड़े ही पर्सन अप्लाई करने के बाद दूसरे पर्सन भी बच सकते हैं, क्योंकि ये वायरस आपका जो मतलब एयर में भी रहते हैं, तो आपका जो अब सर्दी कैसी जैसे बीमारी है फैलता हुआ वायरस, वैसे ये वायरस फैलता हुआ बीमारी है एयर की तरह। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन को कॉन्जेंटिव वायरस हो चुका है, वो अगर आपका मतलब थोड़ा सा कांस लेते हैं, या फिर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद किसी से बात कर लेते हैं, तो वो वायरस अटैक करता है। मान लीजिए कि ये देखने से ही अटैक नहीं करते, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करने के छोड़ के अगर आप सामने सामने बैठ के बात करते हैं, कोई बीमारी अगर आपको को अटैक करती है, तो वो आप अगर थोड़ा सा कांसी भी हो जाती है, आपको छींक भी लेते हैं, तो वो वायरस अटैक करते हैं दूसरे पर्सन को। यही मेन कारण होता है, देखने से नहीं फैलते, अटैक करता है आपका यार से जाकर आपके ऊपर। तो इसलिए सर्दी कैसी जैसा ये वायरस फैलता हुआ वायरस है। और दूसरा कारण है आपका, जिन जिन पर्सन का कॉन्जेंटिव वायरस अटैक हो चुका है, अगर घर में बहुत सारे पर्सन हैं, या फिर वो भी है उसका अटैक कर चुका है, तो उसका तुरंत आपका सब कुछ अलग कर दीजिए। टॉवल, हैंड वॉश, आपका कोम, हेयर कोम, आपका क्लॉथ तो है क्लॉथ वार, मान लीजिए कि आपका जो पीलो का जो कवर है पूरा, आपका जो जो टॉवल से वो मतलब यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मतलब हैंड वॉश भी करते हैं, तो वो भी अलग कर दीजिए। तो ये वायरस दूसरों को अटैक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उससे अगर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं आप लोग, और उसका सारी चीज़ अगर 5 डेज के लिए थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो आपका ये वायरस फैलता नहीं आपके ऊपर। कॉन्जेंटिव वायरस को जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका वायरस अटैक करने के बाद, और दूसरा है आपका आँख में बैक्टीरिया जाने के बाद। अगर बैक्टीरिया जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनफुल रहती है, क्योंकि उसका जो आँख है, आँख से बहुत ज़्यादा आईलेस भारी हो जाते हैं, आपका वाइट कलर का जो पानी है वो निकलता है, और जब नींद में जाती है, नींद से उतरने के बाद आपका जो आईलेस है वो स्किन के साथ पूरा अटक जाते हैं। तो अगर वायरस अटैक करता है, तो थोड़ा सा आँख आपका लाल लाल रहते हैं, और पानी निकलते हैं थोड़ा सा, मैंने मतलब बहुत थिन पानी निकलते हैं, और उतना पेनफुल भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसके जो अगर वायरस अटैक हो चुका है, हाँ तो क्या करना चाहिए अगर आपका वायरस अटैक हो चुका है, तो आप थोड़ा सा मतलब मान लीजिए ठंडा कोल्ड वाटर के ऊपर थोड़ा सा पानी, मैंने मतलब एक कॉटन ले लीजिए, हाथ मत लगाइएगा। हाथ में देखिए बहुत ज़्यादा आपका कीटाणु रह सकता है, या फिर हाथ का जो स्किन है वो आँख में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉटन बॉल ले लीजिए, कोल्ड वाटर में भिगो के ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आँख में आँख के ऊपर सेक दीजिए।
मतलब मान लीजिए कि पूरा दिन में सुबह एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार सोने से पहले देने के बाद आपको पता चल जाएगा ये जो वायरस है वो थोड़ा थोड़ा करके आपका आँख से जा रहा है और पेनफुल भी नहीं हो रहा है, आपका बहुत आराम मिल रहा है। और अगर जिन जिन पर्सन को बैक्टीरिया अटैक हो चुका है वो क्या करेंगे, नींद से उड़ने के बाद वो तो आँख जो लेसेस है वो स्किन के साथ अटक जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब वार्म वाटर, थोड़ा सा ल्यूकम्बर वार्म वाटर है लेने के बाद आप कॉटन भिगो के ऐसे आँख के ऊपर थोड़ा हल्का हल्का करके प्रेस कीजिए, थोड़ा सा हल्का, तो आपका जो आँख का जो मतलब वाइट कलर का जो पानी है वो पूरा निकल जाते हैं और आँख खुल भी जाते हैं और आपका पेन दर्द भी नहीं होता है। ऐसे आपका 2 times कीजिए तो आपको मतलब आराम मिलेगा। और कोल्ड वाटर का जो सेक है वो बैक्टीरिया अटैक जो पर्सन है वो भी दे सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आँख का आराम मिलता है। और हाँ, किसी तरह अच्छा कोई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आई ड्रॉप्स आप यूज़ करते हैं तो आपका जो आँख का जो मतलब क्लीन का प्रॉब्लम है वो चला जाता है। क्योंकि हम ऐसे पानी देते हैं, पानी देने से भी आपका जो पूरा अंदर जो क्लीन नहीं होता, आई ड्रॉप इसके कोई किसी तरह मान लीजिए सिपलॉक से आपका छोटा बेबी से लेकर मतलब ओल्डर एजेस से सिपलॉक्स है, और फिर मान लीजिए आपका रिफ्रेश्ड एयर से भी 2 drops का नाम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरा घर में सभी वो यूज़ करते हैं। हाँ, यही ड्रॉप यूज़ किया तो मुझे ये वायरस अटैक नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का से ऊपर जाएंगे और बीमारी मतलब अटैक करने से थोड़ा मतलब दूर ही रहेंगे, क्योंकि नहीं होगा यही नहीं बोल रही हूँ, हो सकते हैं लेकिन तुरंत अटैक नहीं करने वाले हैं। तो आप बहुत सारे मतलब मेडिकल शॉप पे चले जाए, ऐसे बहुत अच्छा अच्छा आई ड्रॉप है, जानने के बाद वो यूज़ कीजिए। मतलब आई ड्रॉप अगर यूज़ करते हैं तो आपका आई का जो प्रोटेक्शन है वो बरकरार रहते हैं। 2 times डेली ये आई ड्रॉप अब यूज़ करना चाहिए आपको। और हाँ, जिन जिन पर्सन का मान लीजिए ये बीमारी है, कंजक्टिव वायरस अटैक हो चुका है और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, वो 2 या 3 days के अंदर नहीं ठीक हो रहा है, तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसका फिर जो आँख है उसके ऊपर आपका एंटीबायोटिक आई ड्रॉप मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपको मतलब ज़रूरी है और आप ऐसे सिंपल आई ड्रॉप दे रहे हैं आपका सेक करें तो आपको काम नहीं होंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया आपका आँख में चले गया है, वायरस भी अटैक हो चुका है, तो आपका इसी टाइम पे एंटीबैक्टीरिया के लिए आपका एंटीबैक्टीरिया आई ड्रॉप है वो देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब छोड़ने के बाद आप मतलब देख रहे हैं कि ऐसे नहीं ठीक हो रहा है, आप खुद ही मेडिसिन शॉप के जाकर आपका एंटीबैक्टीरिया जो ड्रॉप है वो लेके मतलब दे देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि एंटीबैक्टीरिया ड्रॉप बहुत तरह की होती है, आपका आँख के लिए कैसे एंटीबैक्टीरिया का ड्रॉप है ज़रूरी है वो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ये देखने के बाद। मान लीजिए कि आपका आँख का जो वायरस अटैक है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, बैक्टीरिया अभी तक नहीं आए, तो आप एंटीबैक्टीरिया जो ड्रॉप है वो दे देते तो कोई काम नहीं होगा। जो बैक्टीरिया अटैक हो चुका है, वायरस अटैक हो चुका है, उसके देख के आपको आई डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कौन सा आई ड्रॉप आपके आँखों के लिए सूटेबल है। तो क्या पता चला, ये वायरस फैलता हुआ वायरस है लेकिन देखने से ही नहीं होता है, 1 point। सेकेंड पॉइंट है आपका, जिन जिन पर्सन का ये वायरस अटैक हो चुका है उसे थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, खुद के लिए, दूसरे के लिए। थर्ड है आपका, बहुत मानी सारी पर्सन को आपका कोई किसी तरह आई ड्रॉप यूज़ करना चाहिए अभी वायरस जो अटैक या मैंने मतलब ये आर्मी फैल रहा है इसके लिए। फोर्थ है आपका, छोटा बेबी से लेकर बड़ों तक सभी को प्रोटेक्शन पहले से मस्ट देना चाहिए। 5 आपका, किसी तरह हैंड को हाथों का टच आँख में नहीं होना चाहिए। 4th आपका, कोल्ड वाटर से हम सेक कर सकते हैं, और जो जिन पर्सन का मतलब आँख का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है वो ल्यूकम्बर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई इसी तरह प्रॉब्लम हुआ ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो ये खुद से ठीक हो जाते हैं, कोई डरने का बात नहीं है। तो मेरा सभी सब्सक्राइबर के लिए आज का मेरा मैसेज था, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनते हैं। आज के लिए इतना सही, थैंक यू सो मच।